हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वैल्यूएशन इंजीनियर और वैल्यूएशन सर्वेयर के लिए। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक जॉब पोस्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हु इज वैल्यूएशन इंजीनियर। वैल्यूएशन इंजीनियर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन मतलब किसी भी वस्तु जैसे बिल्डिंग, व्हीकल, मशीन का करंट वैल्यू पता करना, मतलब कॉस्ट पता करना किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए, वो कहलाता है वैल्यूएशन। और ये सारे रोल्स को जो निभाता है वो कहलाता है वैल्यूएशन इंजीनियर। अब सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो वैल्यूएशन इंजीनियर होता है उसका मेन रोल होता है बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना, टैक्सेशन के लिए, लोन्स के लिए, प्रॉपर्टी को खरीदी बिक्री के लिए, ये सारी चीजों के लिए उसको वैल्यूएशन करना पड़ता है। आइए अब डेप्थ में समझेंगे वैल्यूएशन इंजीनियर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। सबसे पहले किसी बिल्डिंग, किसी प्रॉपर्टी में कितना टैक्स लगना है, कैसा टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्सेस को पता करने के लिए वैल्यूएशन किया जाता है। अब अगला है फिक्सिंग ऑफ रेंट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसको आप रेंट में देना चाहते हैं तो रेंट का कितना अमाउंट आप चार्ज करेंगे ये डिसाइड करता है करेंट वैल्यूएशन, और ये बेसिकली रखा गया है 6-10%। गवर्नमेंट के कुछ नियम है, 6-10% के बीच में आपको रेंट फिक्स करना है पर मंथ टोटल वैल्यूएशन का। अब नेक्स्ट है मॉर्गेज। आप इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लेने वाला लोन कहलाता है मॉर्गेज। तो अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो पूरा एस्टिमेट निकालना होगा। अब वैल्यूएशन मतलब क्या, यहां पे वैल्यूएशन का ये मतलब हो रहा है कि पूरा आपको एक डिटेल्ड एस्टिमेट निकालना है उस बिल्डिंग का, और फिर रेट डिसाइड करना है लोन का कितना अमाउंट आप सेंक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। अगर किसी की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का अधिग्रहण होता है तो उस क्लाइंट को, उस ऑनर को, उस घर का कंपनसेट दिया जाता है, और वो कंपनसेशन देने के लिए आपको वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी। किसी भी प्रॉपर्टी का कितना इंश्योरेंस होना है, उसके बेटरमेंट चार्जेस क्या होंगे, स्पेकुलेशन क्या होंगे, इन सब चीजों के लिए भी आपको वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे रोल्स निभाता है एक वैल्यूएशन इंजीनियर। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन इंजीनियर का रोल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टैक्सेशन, इंश्योरेंस सेक्टर, लोनिंग अथॉरिटीज, ये सारी चीजों में जरूरत पड़ती है। तो आइए अब समझते हैं हु इज वैल्यूएशन सर्वेयर। वैल्यूएशन के लिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, वैल्यूएशन के लिए जितने भी मार्केट सर्वे होते हैं प्रॉपर्टीज के, जैसे कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सब प्रॉपर्टीज के लिए, उसके सेल्स, रेंट, डेवलपमेंट को मैनेज करना, पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, ये सारा काम होता है वैल्यूएशन सर्वेयर का। तो आइए आप समझते हैं वैल्यूएशन सर्वेयर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है हमारा इंस्पेक्टिंग प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन करने के लिए पूरी तरह से बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि करंट सिचुएशन क्या है, कोई डिटोरेशन तो नहीं है, अभी की कंडीशन क्या है, अभी की वैल्यू क्या है उस प्रॉपर्टी की, ये सारे को इंस्पेक्ट करना, दैट इज इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन फॉर मॉर्गेज। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक मॉर्गेज के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, ये एक वैल्यूएशन सर्वेयर का काम होता है। अब नेक्स्ट है सर्च करना, एनालाइज करना करंट मार्केट लोकेशन, ट्रेंड क्या चल रहा है उस प्रॉपर्टी का, सारी चीजों का डिटेल्स इकट्ठा करना, डाटा कैलकुलेट करना, ये सारा काम होता है वैल्यूएशन सर्वेयर का। अब अगला है ऑक्शन करना। ऑक्शन करने से पहले जितने भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करना, पोर्टफोलियो तैयार करना क्लाइंट्स के लिए, पूरा उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम होता है वैल्यूएशन सर्वेयर का। अब नेक्स्ट है संपत्ति का आकलन करना, टैक्सेशन, बिजनेस रेट्स, कैपिटल्स, ये सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना रिलेटेड टू टैक्सेस, ये सारा काम भी होता है वैल्यूएशन सर्वेयर का। तो ये सारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वैल्यूएशन सर्वेयर की। अब हम एक कंपनी का डिटेल देखने वाले हैं जो कि
जॉब पोस्ट है वैल्यूएशन सर्वेयर के लिए। कंपनी का नाम है ब्लैक ओलाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और CGPA होना चाहिए ग्रेटर देन 7, इसका क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। लोकेशन है नोएडा गाजियाबाद सेंट्रल दिल्ली और एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है 1 to 5 years का। अब देखते हैं इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो मैंने पहले ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस कर चुका है, लेकिन एक शॉर्ट एंड समराइज वे में हम देखेंगे कि आपको इसमें क्या करना है। जो रियल इस्टेट है उसके एसेट्स को तैयार करना है, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट करना है, आपको बिल्डिंग से रिलेटेड पूरे ट्रांजेक्शन वैल्यूज टेक्निकल बिल्डिंग डेविशंस FAR एक्सटेंशन मल्टीपल यूनिट्स को हैंडल करना है, क्लाइंट्स को हैंडल करना है, डील करना है वैल्यूएशंस और टेक्निकल इश्यूज के टर्म्स में, और आपको प्रिपेयर करना है जितने भी पास्ट कंपनीज के डाटाबेस होंगे वैल्यूएशन के, ये सारी चीजें आपको जॉब रोल्स में परफॉर्म करनी है। तो आपको अगर लगता है कि ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा पाएंगे तो आपको अपना रिज्यूम मेल करना चाहिए valuation@blackolifeventures.com पर और इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सिविल गुरुजी ने एक नया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है नॉलेज शेयरिंग के लिए, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ब्लॉग्स के साथ। तो आपको सिविल गुरुजी के सारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप ब्लॉग के पोस्ट को पढ़ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। और अब आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि सिविल गुरुजी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि है अलादीन का चिराग। बिल्कुल सही सुना आपने, अलादीन का चिराग। ये कोर्स में कुछ ऐसे जादुई एक्सेल फॉर्मेट्स है जो आपको क्विक रिजल्ट्स दे सकते हैं। कुछ सिंपल क्लिक्स में आपको पूरा एक एस्टिमेशन का फुल रिपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9111001123 पर कॉल लगाइए और पूरे डिटेल्स पाइए अबाउट दिस कोर्स। इस कोर्स के साथ मैं आपको कुछ और एडवांटेजेस देना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्री डेमो वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि इस एक्सेल फॉर्मेट के साथ इसको कैसे यूज करना है ये आपको सिखाया गया है। फ्री डाउनलोडिंग PDF फॉर्मेट्स, लाइफ टाइम एक्सेस, इसका मतलब ये है कि आप उसको जिंदगी भर के लिए यूज कर सकते हो। टाइम सेविंग क्विक एस्टिमेशंस, जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसमें कुछ ही क्लिक में आपके पूरे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, तो इसका प्राइस है 396, लेकिन 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 आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये मिलेगा 99 रुपीज में। लेकिन आपको एक छोटा सा कोड अप्लाई करना पड़ेगा, हमारा कोड जो कि है गुरुजी। इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये 99 रुपीज में हो जाएगा और ये ऑफर इस हफ्ते तक चलेगा, पूरे इस हफ्ते आपको ये प्राइस में मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स क्या है मैं ये अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपको पता करना है कि ये क्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर, हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपको हमारे वेबसाइट विजिट करना है तो विजिट कीजिए www.civilguruji.com, या तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूंगा आप सभी के साथ और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।